चलो देखो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं, कौन कौन? एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और एक नाम क्या हो जाता है, वो है तुम्हारा नरेशन। ये तीन नाम, तुम लोग सिर्फ इसको लिखो रिपोर्टेड स्पीच, ये जानकारी के लिए रखो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसी का नाम है, नरेशन इसी का नाम है, ठीक है। अब देखो तो डायरेक्ट जो तुम्हारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस रहेगा और उसको तुमको बदलना किसमें है, इनडायरेक्ट स्पीच में तुमको बदलना है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि डायरेक्ट स्पीच जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उसको पहचानोगे तभी तो उसको इनडायरेक्ट में करोगे। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच है, ही सेड टू मी, I love to play hockey, ठीक है, ये सेंटेंस है। He said to me, I love to play hockey. ये किस में है, डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है? ये डायरेक्ट स्पीच में, ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करेंगे और वन बाय वन रूल को फॉलो करेंगे। जैसे मान लो नंबर वन में जो रूल हम लिखवाएंगे उसको सबसे पहले फॉलो करना है, फिर सेकंड नंबर रूल जो लिखवाएंगे उसको फॉलो करना है, इस तरह से वन बाय वन करेंगे। शुरू शुरू में तुमको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो विद इन सेकेंड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं डायरेक्ट का। तो he said to me, I love to play hockey, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें देखो इसमें अलग अलग पार्ट है, उसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे ये पार्ट जो है इसको क्या करते हैं, ये जो है ये क्या है, इस पार्ट को, ये भी एक सेंटेंस है ना, ये कहलाता है तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसी को कहा गया है रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गई, ठीक। अब है ये क्या है, He said to me, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड, ठीक है। चलो पहले इसी को लिखते हैं तब और आसान हो जाएगा। पहले इसको पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच।
ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगा, और ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब ये इसको देखो, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेंटेंस को हम लोग इस तरह से समझेंगे, ये समझना जरूरी है, बिना ये पार्ट्स को समझे हुए तुम्हारा दिक्कत होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने में। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये जो विद इन इनवर्टेड कॉमा है इसको हमने चेक किया कि ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब आ गया तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेव, सेव क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ई क्या हो गया सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट हो गया, और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको याद रखना। ठीक, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच का अलग अलग पार्ट्स हो गया। अब इसको लिखो कॉपी में, जैसे है? जैसे कोई एक सेंटेंस डायरेक्ट में दिया रहेगा, अब डायरेक्ट कौन सा सेंटेंस होता है ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट पहचानने का क्या है विद इन इनवर्टेड कॉमा में रहेगा डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, जो इनवर्टेड कॉमा में रहता है उसको क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस खाली रिपोर्टेड स्पीच जान लो, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक, और अब आ जाएंगे सीधा इधर, कहीं कहीं क्या रहता है ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ ही सेड लिखा रहेगा, ऐसा भी रहता है, तो ही सेड रहेगा तो उसका हम फिर अलग तरह से बनाएंगे, तो ही सेड टू मी में ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो वर्ब उसमें रहेगा वो क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये इसको ये सब शब्द को याद रखना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तुमको बता रहे हैं एक तो ये फॉर्मेट हो गया जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, कभी कभी क्या होता है सीधा बैठो, कभी कभी क्या होता है सिर्फ रहेगा मोहन और ये कोलन दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या रहेगा यहां पर रख दो, आई लव टू प्ले हॉकी, बस इसमें कहीं है इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, लेकिन ऊपर तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये लिखा रहेगा, लेकिन ये भी इसका एक फॉर्मेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये भी है, इसको भी क्या कहेंगे डायरेक्ट स्पीच में। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन से आई लव टू प्ले हॉकी, क्वेश्चन का दो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन में, घबराना नहीं है, इसको देख करके क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और उसको चेंज किस में करना रहता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहां से बात ध्यान से सुनो, कोई भी डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और उसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब चेंज करेंगे तो कौन कौन सा चीज को चेंज करें, कौन कौन सा पार्ट को चेंज करें उसका फिक्स है, क्या करते हैं उसका फिक्स है, उसमें लिख लो कहीं पर चेंज करने में क्या क्या चेंज करते हैं। नंबर वन चेंज हो गया तुम्हारा प्रोनाउन, ठीक है,
जब हम लोग चेंज करते हैं तो पहला क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। और ये जितना चेंज है वो कहां करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। कहां चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच तुम लोगों को बतलाए हैं, वो जो विद इन इनवर्टेड कॉमा रहता है वही रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हम बोलेंगे कि प्रोनाउन चेंज करना है तो कहां करना है चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना है, जो विद इन इनवर्टेड कॉमा रहता है उसके अंदर जितना प्रोनाउन है उसको चेंज कर देना। कुछ प्रोनाउन है जो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन उसका रूल है चेंज करने का। दूसरा क्या चेंज करते हैं, टेंस। दूसरा क्या चेंज कर देंगे, टेंस। किसका चेंज करेंगे, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। और थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर का यूज करते हैं, कनेक्टर्स इसका यूज करते हैं। वी यूज कनेक्टर्स, ऐसे लिखो, यूज कनेक्टर्स। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कनेक्टर का यूज होगा, ठीक है। अब देखो, अभी समझो, रुक जाओ, अभी मत लिखो, समझो। रिपोर्टेड स्पीच को चेंज जब हम करते हैं तो सबसे ज्यादा चेंज कहां होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन को चेंज कर दिए, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का क्या चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। इसका भी कंडीशन है, हर जगह टेंस चेंज नहीं होता। उसके बाद क्या करते हैं, कनेक्टर का यूज करते हैं। ये तीन को तुमको चेक करना है वन बाई वन कि हमने प्रोनाउन चेंज किया या नहीं किया, टेंस। अच्छा, ये तीनों चेंज करने का रूल है, ये तीनों को चेंज करने का रूल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे कि प्रोनाउन चेंज करने का रूल हमने यूज किया या नहीं किया, दूसरा टेंस चेंज करने का रूल हमने यूज किया या नहीं किया, और थर्ड हम जो है कनेक्टर हमने यूज किया या नहीं किया, या इसका कनेक्टर यूज करने का कौन सा रूल है वो हमने यूज किया या नहीं किया। तो जब तीनों का रूल को हम लोग यूज कर लेंगे तो तुम्हारा नरेशन बन जाएगा और आंसर भी चेक हो जाएगा खुद ब खुद कि हम आंसर सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, उसको भी तुम चेक कर दो। अब ये तीनों को लिख लो कि ये तीन का रूल हमको यूज करना है। जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या चेंज, किस किसका रूल यूज करेंगे, प्रोनाउन का, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन कितना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही है ना प्रोनाउन। अब देखो किसमें हम लोग यूज करेंगे, प्रोनाउन चेंज रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। उसके लिए प्रोनाउन पहचानना भी पड़ेगा कि सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन चेंज का पहला रूल लिखते जाओ, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या किए, जैसे ये तुम्हारा सेंटेंस है, he said to me, comma, within inverted comma, I like tea. अब समझो अपनी comma. रूल क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है ना हम लोग. तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन हो जाएगा? आई, वी, प्लूरल में, चलो यार नीचे नीचे रख दो. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई, मी, माय, myself, ये सब भी है. प्लूरल में हो जाएगा वी, आवर, आवर सेल्व्स, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट पर्सन का, या तो सिंगल हो या प्लूरल हो, वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा कहीं भी, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अब जो तुम्हारा शुरू में पार्ट लिखवाए थे ना, उसमें देखो सब्जेक्ट कहाँ है, देखो टॉपिक देखो, उसमें देखो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. अब देखो, ही सेड टू मी आई लाइक टी, ही सेड टू मी आई लाइक टी लिखा हुआ. इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा? आई लाइक टी, आई लाइक टी है रिपोर्टेड स्पीच. हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है? आई है. वो चेंज किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सब्जेक्ट कौन सा है? ही है रिपोर्टिंग वर्ब का. सेड का सब्जेक्ट कौन है? ही है. इसके अनुसार चेंज होगा. इसको और दूसरे तरह से समझो कि जो फर्स्ट पर्सन है वो चला जाएगा सब्जेक्ट का रूप लेगा, इसका रूप लेगा, इसका फॉर्म लेगा. तो अब देखो, ही टोल्ड मी दैट आई क्या हो गया? ही लाइक्ड टी. हम अभी सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. अभी टोल्ड कैसे आ गया, लाइक कैसे आ गया, ये अभी हम नहीं बता रहे. हम अभी क्या बता रहे हैं? सिर्फ प्रोनाउन का बता रहे हैं. तो ये जो इसमें प्रोनाउन है वो इसमें चला गया. अब एक चीज और देखना, स्टूडेंट जो गलती कहां करता है, इसको भी चेंज कर देता है. ही को भी चेंज कर दिया पता नहीं कौन सा रूल से, और मी को भी चेंज कर देता है. तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ ये सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है. सिर्फ क्या करना है? सेड टू और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे. अगर सिर्फ सेड है, टू मी नहीं लिखा हुआ है, तो सेड सेड ही रह जाएगा, उसको चेंज नहीं करना. लेकिन जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड कर देंगे. बाकी ये मी को चेंज करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे. इसको भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा नीचे. चेंज जो भी हम लोग का होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है उसी में हम लोग जो भी चेंज करना है वो करते हैं. बस समझ आया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय
चेंज जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स का करते हैं, बाहर वाले पार्ट्स में कोई चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ सेव टू है उसको टोल्ड कर देते हैं, बस एक चीज। ये समझ में आ गया? चलो, तो प्रोनाउन हम लोग का कितना है? तीन है ना, तीनों प्रोनाउन का रूल सीख लेंगे तो फिर हमारा कोई भी रिपोर्टेड डिस्क्रिप्शन प्रोनाउन होगा उसको चेंज करना हम लोग सीख लेंगे। तो फर्स्ट प्रोनाउन का हम लोग सीखे, अब सेकंड प्रोनाउन में कौन कौन आता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आएगा? यू आएगा, इधर भी यू हो गया, प्लूरल में भी योर योर सेल्फ ये सब हो गया। तो अब यू अगर यहाँ यू रहेगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या रूल है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो कॉपी हो गया? यस सर। अभी देखो दूसरा रूल, इसका क्या हम लोग पढ़ेंगे? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब बताए हैं, तो ये इस बार ऑब्जेक्ट ऑफ द, तुम लोग फिर से इसको लिखना, तुम लोग मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा मिटा करके फिर ये नहीं करना, फिर से लिखना टोटल। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेड टू मी यू लाइक टी, सेड पहले समझ लो, सेड टू मी यू लाइक टी, प्रोनाउन चेंज करना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन चेंज का रूल पढ़ रहे हैं, किसमें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने में। अब देखो ही सेड टू मी यू लाइक टी, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है? यू है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? मी है। कौन सा है? मी है। तो ये जो चेंज होगा, ये चेंज जो होगा वो किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार। इसके अनुसार चेंज होगा, यू चेंज होगा मी के अनुसार चेंज होगा। अब देखो ही टोल्ड मी, इसको ही टोल्ड मी कर दिए दैट, अब यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी लाइक टी अच्छा लगेगा लिखने से? नहीं। कौन सा यहाँ रखेंगे? आई रखेंगे, मी का ही कन्फर्म होगा, आई लाइक टी अगर रखते हैं तो हमारा नरेशन बन गया। और जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा? नहीं रहेगा। ये कॉमा यहाँ जो है वो रहेगा? कोई भी कॉमा नहीं रहेगा जब हम लोग चेंज कर देते हैं। अब इसको कॉपी करो, चलो अब प्रोनाउन में क्या है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का हम लोग सीख लिए, सेकंड पर्सन का सीख लिए, थर्ड पर्सन का सीखो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना सबसे आसान है, ठीक है? सबसे आसान है थर्ड पर्सन को चेंज करना। थर्ड रूल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। अगर प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो अगर थर्ड पर्सन में रहा
तो वो चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही उसको इनडायरेक्ट में लिख देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो एग्जांपल देखो, क्या सेंटेंस है? He said to me, he likes tea. Reported speech कौन सा है? Reported, हाँ पढ़ो, he likes tea. ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं। प्रोनाउन कौन सा है? He. कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन। तो ये चेंज नहीं हुआ, he like बस जो वहां लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे। तो थर्ड पर्सन का तो मामला ही खत्म हो गया, सिर्फ तुमको क्या याद रखना है, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन सा होगा? ही, शी, इट, प्लूरल में चले जाओ दे, देम, सबसे ज्यादा प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ही है, और वो रहेगा तो वो चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं, जैसा है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ वैसे ही उसको हम लोग लिख देंगे। इसको कॉपी करो, प्रोनाउन चेंज का सिस्टम समझ गए, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, वो रूल हो गया तुम्हारा। अब हम लोग का कौन सा बचता है? टेंस चेंज और कनेक्टर का यूज, यूज ऑफ कनेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस चेंज कैसे होता है। देखो यहाँ चेंज किए हैं तुम लोग, ध्यान दो, एक सेड टू को टोल्ड कर दिए, ये तो बता दिए तुम लोगों को कि हमेशा सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, ये बता दिए। अब हम लोग को चेंज करना है, इधर भी तुम लोग देख रहे होंगे कि लाइक्स की है, हम क्या लिख रहे हैं, लाइक्स को लाइक्ड कर देना है, इसका कुछ रूल है, वो ऐसे ही लाइक्ड नहीं हो जाता, उस रूल को पढ़ लेंगे। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में लिख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता था, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उस सबका एक रूल है और बहुत आसान रूल है। दूसरा तुम लोग एक और चीज ध्यान देना होगा, ये दैट का यूज हम कर रहे हैं, तो हर जगह दैट का यूज नहीं होता है, कहीं कहीं इफ का यूज होता है, कहीं कहीं कनेक्टर यूज होता ही नहीं, ये कनेक्टर है, कहीं कहीं कनेक्टर यूज होता ही नहीं, और कहीं इफ यूज होता है, कहीं टू यूज होता है, तो वो इसको यूज करने का क्या तरीका है, क्या रूल है, वो भी बतलाएंगे, वो कनेक्टर वाला रूल जाएगा। अभी हम लोग क्या चेंज करेंगे, टेंस चेंज करने का रूल पढ़ेंगे, और वो टेंस चेंज किसका किसका चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का, ये मत भूलना कभी भी। जब भी हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग, अगली बार से सब एक साथ बोलेगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग समझ रहा है कुछ लोग समझ नहीं रहा, तो जब भी हम चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की बात कर रहे हैं, तो जब भी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा, तो मेन चेंज कहां पर होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। हम लोग प्रोनाउन चेंज कर लिए, अच्छा ये जो कनेक्टर भी होगा यूज, वो किसके अनुसार होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज होगा, इधर इसके अनुसार नहीं चेंज होगा, सारा खेल यहां, इसलिए इसमें ध्यान देना। अब देखो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, टेंस चेंज, और ये चेंज कहां आएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट हम बोले हैं, किसका चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, बाकी जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसका टेंस चेंज होता है, नहीं होता। चलो सही है, तो इसका रूल क्या है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, टेंस पढ़ाए हैं, वो जो 12 सेंटेंस है वो लिखा हुआ है सबके कॉपी में, उसको हम लोग फिर से लिखेंगे।
अब ध्यान दो, जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में वो तो 12 ही है, 13 नंबर सेंटेंस नहीं है। तो तुम्हारा जो एग्जामिनेशन में आएगा चेंज करने के लिए जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा वो तो वही 12 में से कोई एक रहेगा, बात समझ रहे हो, उसी 12 में से कोई एक रहेगा। तो अगर उसको चेंज हम करना जान गए तो पूरा टेंस चेंज करना हम जान गए, बात समझ में आ रहा। हम वो 12 सेंटेंस के मदद से तुमको टेंस चेंज करना सिखा रहे हैं। तो तुम्हारे माइंड में वो 12 सेंटेंस जो है 12 सेंटेंस टेंस का रहना चाहिए, ठीक है। देखो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट में रहता है तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल क्या है, ही राइट्स अ लेटर, ये किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा सिंपल पास्ट में, ही रोट अ लेटर, किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, ठीक है। ये इस तरह से चेंज होता है, राइट्स का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। अब इसको देखो, अब इसको हम और आसान सिस्टम में करते हैं, जैसे अब इसी तरह से वो 12 सेंटेंस लिखवाया हुआ है, अब उसी 12 सेंटेंस को कैसे हम लोग यूज करते हैं, देखो ये तो समझ में आया ना, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट कैसे करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट कहां रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब उसी का रूल लिख लो, रूल क्या है, नंबर वन सिंपल प्रेजेंट बिकम्स क्या, सिंपल पास्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो थर्ड, अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड नंबर में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हो जाए, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच फोर्थ नंबर बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत आसान है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है ना, अब देखो यहां तक तुम्हारा बहुत आसान है, सिंपल प्रेजेंट
सिंपल पास्ट। ये तुम्हारा जो टेन सेंटेंस ट्वेल्व सेंटेंस हम लिखवाए हैं, समझो पहले ट्वेल्व सेंटेंस लिखवाए हैं, उसमें पहला चार सेंटेंस कौन सा है, यही है ना, और जो जो अगला चार सेंटेंस है पास्ट वाला वो क्या है, ये है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे चेंज हो रहा है, देखो पहला चला गया पांच में, पहला नंबर किस में चला गया पांच में, दूसरा नंबर कहां चल गया छह में, तीसरा कहां चला गया सात में, और फोर्थ नंबर किस में चला गया एट में। कैसे चेंज हो रहा है समझ में आ रहा, तो ये अगर पहचान लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का एग्जांपल तुमको पता है, आई राइट अ लेटर सिंपल प्रेजेंट हुआ और पास्ट में उसको आई रोट अ लेटर कर देंगे, हो गया ये हो गया। अब देखो फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर बताओ क्या सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में रहता है तब इसको क्या करते हैं सिंपल, नहीं अब वो रूल मत चलाओ, सिंपल पास्ट में रहेगा तो ये भी चेंज होकर के पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, इसको याद रखना। ये तो तुम पता चल जाएगा कि पहला को पांच कर देना है, दूसरा को छह कर देना है, इस तरह से याद रहेगा, लेकिन पांच को क्या करना है पास्ट परफेक्ट कर देना है, आठ नंबर में ले जाना है, ठीक है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देना है। और सिक्स नंबर, सिक्स में है क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच तो उसको क्या चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको क्या कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको अब शैल का क्या होता है, उसमें क्या, जैसे इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा, पास्ट परफेक्ट इसके बाद लिखाएगा, मुझे इसके बाद पास्ट परफेक्ट लिखाएगा, तो पास्ट परफेक्ट रह जाएगा। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी उसी तरह से रह जाएगा, उसको चेंज नहीं कर रहा है। फिर आता है तुम्हारा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में किसका यूज करते हैं हम लोग, विल या शैल का, तो विल रहे उसको भी उड कर देना है और शैल रहे उसको भी उड कर देना, शूट नहीं करना है उसको भी उड ही कर देना, तो जितना फ्यूचर हो गया सब को सिर्फ क्या करना है उड कर देना, बस बन गया सब, बस समझ आ रहा, बस इतना, इसको याद करोगे टेस्ट क्लियर हो जाए। अब इसको कॉपी करो, प्रोनाउन चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, किसका रिपोर्टेड स्पीच का, इसको नहीं भूलना, प्रोनाउन चेंज हम लोग किए हैं रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो रहता है उसको चेंज किया, और टेंस चेंज किए हैं किसका, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया, दो चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर का यूज करेंगे, कनेक्टर भी कंपल्सरी है उसमें, तो कनेक्टर का यूज कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। कनेक्टर का यूज करने के लिए किस सेंटेंस से हेल्प लेंगे, फिर भूल गया तुम लोग, कनेक्टर का यूज करने के लिए किस सेंटेंस से हेल्प लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच से, भूलना नहीं है, हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का सेंटेंस और उसी के आधार पर यूज करेंगे। तो अब बताओ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है, पहला होता है तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस, पहला क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव में तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। अब थोड़ा याद आने लगा क्या हम बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस
हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि सेंटेंस असर्टिव में है या नहीं है। कौन सा सेंटेंस? फिर भूल गया, रिपोर्टेड स्पीच को पहचानेंगे कि असर्टिव है या नहीं है। अगर असर्टिव होगा तो कनेक्टर कौन सा लगाएंगे? दैट। कौन सा कनेक्टर लगाएंगे? दैट। ये हो गया दैट। अब दूसरा तरह का सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। दूसरा टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन सेंटेंस। अब क्वेश्चन सेंटेंस में तुम्हारा दो तरह का होता है। एक सेंटेंस जो क्वेश्चन शुरू होता है वो होता है डब्ल्यू एच से, डब्ल्यू एच से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू लाफिंग, ये सब सेंटेंस है। हु आर यू, वो भी आएगा डब्ल्यू एच, ये सब सेंटेंस। अच्छा, हाउ आर यू, वो भी आएगा क्योंकि इधर डब्ल्यू इधर एच है, तो डब्ल्यू एच। अगर डब्ल्यू एच सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग कोई भी कनेक्टर नहीं लगाते, कनेक्टर हम लोग नहीं लगाते। और अगर नॉन डब्ल्यू एच रहेगा, नॉन डब्ल्यू एच मतलब आर यू हैप्पी, कैन यू प्ले, शैल आई गो, ये सब है ना सेंटेंस। मे आई कम इन सर, ये भी है, लेकिन वो अलग तरह का सेंटेंस हो गया, उसका अलग पढ़ेंगे। तो नॉन डब्ल्यू एच जो हो गया उसमें क्या लगाएंगे? इफ। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। अब इसका सेंटेंस, इसका स्पेलिंग में तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए इसको याद रखना। इफ क्वेश्चन सेंटेंस जैसे ही देखेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन मार्क रहेगा उसमें, तो क्वेश्चन मार्क के बाद दूसरा क्या हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सेंटेंस डब्ल्यू एच है या नॉन डब्ल्यू एच है। बस समझ में आया? उसके अनुसार हम लोग देते हैं। अगर डब्ल्यू एच रहेगा तो कोई कनेक्टर नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, और नॉन डब्ल्यू एच में इफ लगाएंगे। तीसरा तरह का देखेंगे, तीसरा है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। इंपरेटिव मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। जैसे हम लोग ऑर्डर देते हैं ना, शट द विंडो, डू योर होमवर्क, ये सब क्या है? ऑर्डर सेंटेंस। तो ऑर्डर सेंटेंस अगर रहेगा तो उसमें जो हम लोग कनेक्टर लगाएंगे वो टू कनेक्टर लगाएंगे, उसमें दैट नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा, टू लगेगा। अब जो है फोर्थ सेंटेंस देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है? क्या है ये? है तुम्हारा ब्लेसिंग का, कर्स। जैसे कोई तुमको आशीर्वाद दे रहा, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत दिन तक खुश रहो, जिंदा रहो, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ऑप्टेटिव है, ये आशीर्वाद दे रहा है। किसी को हम लोग श्राप देते हैं, कर्स, मे यू डाई, है ना। इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। ऑप्टेटिव में भी क्या लगेगा? दैट लगेगा। और फिर हम लोग कहा जाता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी दैट लगेगा। एक्सक्लामेटरी में देखो, मे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी एक्सक्लामेशन का सेंटेंस रहेगा, लेकिन तुमको देखना रहेगा कि वो आशीर्वाद है या श्राप है, क्या है। एक्सक्लामेटरी में क्या होगा? उसमें जो है आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। जैसे क्या कर सकते हैं? व्हाट अ लवली सीन, कितना अच्छा सीन है। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, लेकिन एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, उसमें क्या रहेगा? एक्सक्लामेशन का मार्क रहेगा।
तो इसको पहचानना, उसमें क्या लगाएंगे? दैट लगा। ये तुम्हारा है कनेक्टर। अब इसको उतारो। ब्लेस कर, कर सी यू आर ए सी, कर्स मतलब श्राप। अब देखो ये तीन तीन प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, यूज ऑफ कनेक्टर्स, ये तीन याद रखना डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के समय। एक और रखना है अदर चेंजेस, कुछ जनरल चेंज है उसको भी हम लोग एक लिस्ट बना करके देख लेते हैं। अदर चेंजेस में लिखो फोर्थ नंबर हो गया, अदर चेंजेस। ये चेंज कहां करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, भूलो मत तुम लोग। अदर चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, नंबर वन मे का क्या हो जाएगा? अब देखो हम लोग रूल्स जान लिए, अब हम लोग उस रूल्स का इस्तेमाल करें, यूज करें, ठीक है। अब इसका होगा प्रैक्टिस, लिखते जाओ। You said to me he is happy. ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन? Yes sir. ये किसमें है? ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे?
सबसे पहला काम करेंगे इसको लिखेंगे। यू सेड टू क्या हो जाएगा टोल्ड, उसका अर्थ क्या है मी। ये सबसे पहले हम लोग कर दें, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कितना रूप चेंज करना है, ती प्रोनाउन टेंस और यूज ऑफ करेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन में चलते हैं। कहां का प्रोनाउन? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन ढूंढो, ही है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन का रूल क्या है, चेंज होगा ये? थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अब बताओ दूसरा टेंस। ये टेंस चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। तो इसका टेंस क्या है बताओ, कंटिन्यूअस में आई एन जी रहता है, आई एन जी है इसमें, वर्ब आई एन जी फॉर्म में है नहीं है, तो ये कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, वेरी गुड। ये क्या है सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल पास्ट। चलो दोनों हो गया। अब जो है अब तीसरा क्या यूज करेंगे, कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका टाइप देखेंगे कौन सा टाइप का सेंटेंस, तो कौन टाइप का है ये सेंटेंस, क्या काइंड है इसका, पांच काइंड ऑफ सेंटेंस दिखवाया ना पांच, एक हो गया असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, पांच है। तो पांच में इंट्रोगेटिव का तो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इंट्रोगेटिव नहीं है ये। एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन मार्क होता है, एक्सक्लामेशन है नहीं होता, नहीं है इसमें, तो वो भी नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है, मे है इसमें, तो वो भी नहीं है, तो बाकी कौन बचा, इंपरेटिव। ऑर्डर है ये, ऑर्डर दे रहा है किसी को, नहीं दे रहा, तो कौन सा बचा, असर्टिव सेंटेंस है ये। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा कनेक्टर लगाते हैं, दैट, तो ही टोल्ड मी, और ये जो इनवर्टेड कॉमा है यहाँ पर मी के बाद दैट लगेगा, दैट, और ये थर्ड पर्सन है ही, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट को किसमें चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, इज को वाच कर देंगे, ही वाज हैप्पी, इनवर्टेड कॉमा देंगे नहीं देंगे, ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस चेंज तुम लोग भूल गए, टेंस चेंज करना है इसमें, तो शुरू में हम चेंज करवाए थे, बाद में तुम लोग भूला। ये हो गया ऊपर वाला, अब इसको देखो, पहले समझो ये कौन सा स्पीच में है, ही सेड टू हिम डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो
सेठ टू को टोल्ड करें, तो ये हो गया शी टोल्ड क्या है ही। अब कनेक्टर, कनेक्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पकड़ते हैं, कौन सा टाइप है इसका, कौन सा टाइप है, असर्टिव है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, एक्सक्लेमेशन है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं, दैट शी टोल्ड हिम दैट। अब प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन क्या है इसमें, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज करता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब बताओ, शी, वेरी गुड। तो ये प्रोनाउन जो है, ये प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, शी के अनुसार चेंज होगा। तो दैट आई के जगह क्या लिख देंगे, शी, ये लिखा गया शी। अब तीसरा और क्या बचा, टेंस पत्र, हम लोग कनेक्टर यूज कर लिए, प्रोनाउन यूज कर लिए, अब कौन सा रूल बचा, टेंस का, टेंस किसका चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं है तो हो गया काम इसका, टेंस किसका चेंज होगा, रिपोर्टिंग का चेंज। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे ये कौन सा टेंस में है, तब उसको चेंज करेंगे रूल के अनुसार, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस सोचो, उसमें क्या था, आई वॉज गोइंग, आई तो चेंज कर दिया ना, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, चलो शी वॉज गोइंग टू स्कूल, चेंज हो गया। अब आसान हो रहा है ना, कभी भी रूल को नहीं छोड़ना, जो हम रूल बताए उसको पहले अच्छा से याद कर लेना है और फिर प्रैक्टिस करना, कभी भी रूल को छोड़ना नहीं है, अपने आप से बनाने नहीं लग जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, पूरा मैथमेटिक्स की तरह बन रहा है ना, एक एक रूल को, एक एक फॉर्मूला समझो उसको, रूल के जगह उसको मैथ का फॉर्मूला समझ लो और उसको एक एक फॉर्मूला को यूज करते जाना है, तुम्हारा रिलेशन बन जाएगा। चलो एक और करते हैं, अभी देखो, अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं बता रहे, अभी अभी तक बताया हम इंट्रोगेटिव का, अब इंट्रोगेटिव का हम बता रहे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो चेंज कर लेंगे, जो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा असर्टिव में रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, असर्टिव में रहेगा। अब देखो, He said to me, why are you laughing? पहले समझ लो, पहले समझो, He said to me, why are you laughing? सबसे पहले क्या करेंगे, He, क्या करेंगे, said to को, नहीं, रिपोर्टेड स्पीच पहले देखो, कौन तरह का सेंटेंस है, क्वेश्चन है ना, तो आस्क होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसके अनुसार ये बदलता है, तो ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपको, तो क्या करते हैं, ही आस्क्ड मी, ये पास्ट है इसलिए आस्क होगा, टोल्ड के जगह पर आस्क कर दिया।
अब देखो आस्क मी, अब क्या है कनेक्टर, यहां कनेक्टर लगेगा ना, तो कनेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, पहले सेंटेंस पहचानते हैं किस तरह का है, ये किस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कितना सेंटेंस लिखवाए हैं, कितना तरह का इंट्रोगेटिव में कितना तरह का सेंटेंस लिखवाए हैं, इंट्रोगेटिव में कितना तरह का सेंटेंस होता है, नॉन WH और WH, ये WH है कि नॉन WH, WH में कनेक्टर लगेगा नहीं लगेगा, तो कनेक्टर बिना लगाए हुए Y लिख दो, ठीक है, लेकिन अभी तुमको हम बताया कि ये जब चेंज होता है तो असर्टिव बन जाता है, तो अगर इसको इसी तरह से लिख देंगे तो असर्टिव बन जाएगा, ये सॉरी इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इसको करना क्या है असर्टिव करना, तो असर्टिव करने के लिए क्या करते हैं, ये जो है यू सब्जेक्ट को पहले ले आओ, डब्ल्यू एच को लिख दो, सब्जेक्ट को पहले ले आओ और ऑक्सिलरी वर्ब को उसके बाद लगा दो, बन जाएगा तो क्या होगा वाई यू आर लाफिंग, असर्टिव हो गया, अब यू आर लाफिंग का टेंस टेंस चेंज करो, कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, लेकिन एक और रूल हम लोग कौन सा छोड़ दिए अभी तक यूज नहीं किए, प्रोनाउन का, कौन सा प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अनुसार चेंज होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो ये जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा मी के, अब हम लोग लिखेंगे आई लिखेंगे, मी लिखने से अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो आई आई और क्या हो जाएगा वॉज, फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप होगा क्योंकि असर्टिव बनाना, तो क्या हो गया ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लाफिंग, ये आर को इधर कर लेना है और यू को आर के जगह पर कर देना, ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, एक दिन बतलाएंगे तुम लोगों को इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बदलते हैं वो भी बतलाएंगे, आसान है, तो आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लाफिंग, चलो ये सेंटेंस देखो, पहले समझो, मोहन सेड टू मी शी हैज प्लेड चेस, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, मोहन टोल्ड हो जाएगा ना, टोल्ड मी, अब कनेक्टर दैट लगेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस दैट प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होगा ये थर्ड पर्सन में है चेंज होगा नहीं होगा तो ऐसा ही रखेंगे इसको शी अब टेंस बताओ टेंस चेंज करने के लिए इसका टेंस पहले देखेंगे तो कौन सा टेंस में है ये अभी क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाता है पास्ट परफेक्ट तो ये हो जाएगा शी हैड प्लेड चेस ठीक है अब एक अंतिम सेंटेंस बता रहे हैं
जिसमें टेंस चेंज नहीं होगा। क्या पहले समझ लो सेंटेंस क्या है। ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार रहना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी कनेक्टर क्या लगेगा, दैट, तो क्या सर्टिफिक सेंटेंस दैट। अब इसमें प्रोनाउन है नहीं है, लेकिन दूसरा इसमें क्या देखना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, ये एक ट्रूथ है, ये क्या है, ट्रूथ है। ईमानदार सबको रहना चाहिए, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो जो ट्रूथ होगा या यूनिवर्सल फैक्ट होगा या प्रोवर्ब होगा, वो सब में टेस्ट चेंज नहीं होता। जैसे मान लो यहां रहता है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, उसको चेंज करेंगे टेंस उसका, नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर टोल्ड है पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा सीधा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें चेंज नहीं होगा इसका कुछ। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे लिए आसान होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता है, नहीं रहता है, डायरेक्ट स्पीच में रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखो, तो पहले सुन लो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए तीन रूल का ध्यान रखना, प्रोनाउन चेंज का रूल, टेंस चेंज का रूल और कनेक्टर हम लोग कैसे यूज करेंगे। और ये तीनों रूल किस सेंटेंस को ध्यान में रख के करना है, किस सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रख के करना, ठीक है। अब इसका और आगे हम कभी प्रैक्टिस कराएंगे। रूल्स को याद करो और कल कम से कम 20 डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल करके लाना। वो सेंटेंस कहां मिलेगा, आपके ग्रामर बुक में, ठीक है। चलो थैंक यू। Thank you, sir.